बैक टू न्यू सीरीज़ और आज मैं कवर करूँगा एयरक्राफ्ट पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं और उनका क्या पर्पस होता है। तो आइए देखते हैं। तो किसी भी एयरक्राफ्ट में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूसेलाज, क्योंकि बाकी सभी पार्ट्स इसी से अटैच्ड रहते हैं, दैट इज़ योर विंग्स, टेल सेक्शन, लैंडिंग गियर, पावर प्लांट एंड ऑल। और स्ट्रक्चर वाइज से लॉन्ग एंड नैरो सेक्शन की तरह दिखता है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस फॉर योर फ्लाइट क्रू, पैसेंजर्स, कार्गो, कॉकपिट कंट्रोल्स एंड अदर एक्सेसरीज। तो इतने सारे कंपोनेंट्स का लोड एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेस बियर करने के लिए इसका स्ट्रांग एंड रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी फ्लाइट के दौरान जब आप मनूवरिंग करते हो, एक्सीलरेट या डिसेलरेट करते हो, उससे डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस क्रिएट होता है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में। एंड इसे ओवरकम करने के लिए ट्रस या सेमी मोनोकॉक डिजाइन का यूज किया जाता है, एंड इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विंग्स। ये फ्यूसेलाज में क्रॉस वाइज अटैच रहता है, एंड इसके फ्रंट पोर्शन को कहते हैं लीडिंग एज, रियर सेक्शन को ट्रेलिंग एज, एंड किसी भी फ्लाइट के दौरान यही एंटायर लोड को कैरी करता है बाय डेवलपिंग लिफ्ट। प्लस इसमें फ्यूल एंड फ्लाइट कंट्रोल सरफेस भी होते हैं, दैट इज एलेरॉन्स, फ्लैप्स, स्पॉयलर्स एंड अदर थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। इसीलिए फ्यूसेलाज की तरह इसका भी फ्रेमवर्क स्ट्रांग एंड रिलायबल होना बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन इट्स एरोडायनामिक शेप एंड बियर ऑल टाइप ऑफ फ्लाइट स्ट्रेस। एंड डिज़ाइन वाइज ये कैंटिलीवर या सेमी कैंटिलीवर टाइप का हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है एम्पेनाज। एयरक्राफ्ट के कंप्लीट टेल सेक्शन को एम्पेनाज कहते हैं, विच इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एलिवेटर, वर्टिकल स्टेबलाइजर एंड रडर। और इसका कंस्ट्रक्शन भी सेम मेन विंग्स की तरह ही रहता है, और इसका मेन काम होता है एयरक्राफ्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और इन अदर वर्ड्स स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है फ्लाइट कंट्रोल सरफेस। ये एक हिंज्ड मूवेबल सरफेस होता है विंग्स एंड स्टेबलाइजर सेक्शन में, और इसका मेन काम होता है एयरक्राफ्ट एटीट्यूड को चेंज करना, दैट इज ओरिएंटेशन। एंड ये बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को सेफली कंट्रोल करने में काम आता है ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड इसमें आता है एलेरॉन्स, एलिवेटर एंड रडर। नेक्स्ट है सेकेंडरी और ऑक्सिलियरी कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहता है, एंड इसमें आता है ट्रिम सिस्टम, फ्लैप्स, स्लैट्स, स्पॉयलर्स एंड अदर थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन एयरक्राफ्ट टाइप, एंड इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है पावर प्लांट। पावर प्लांट का मेन काम होता है थ्रस्ट प्रोवाइड करना टू प्रोपेल द एयरक्राफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड ये जेट इंजन या इंजन प्लस प्रोपेलर किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, बट यूजुअली स्मॉल एयरक्राफ्ट में पिस्टन इंजन का यूज किया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकेटिंग इंजन बिकॉज ऑफ पिस्टन अप एंड डाउन मूवमेंट। एंड लोकेशन वाइज ये फ्यूसेलाज के फ्रंट सेक्शन में माउंटेड रहता है या इस तरह विंग्स के लीडिंग एज में, लाइक एनी मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट और कमर्शियल जेट। एंड इंजन का जो कवरिंग रहता है उसे कहते हैं काउलिंग, एंड ये एयरक्राफ्ट को स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एज वेल एज इंजन को कूल करने का भी काम करता है बाय डायरेक्टिंग एयर। एंड लास्ट है लैंडिंग गियर। इसका बेसिक पर्पस होता है एयरक्राफ्ट वेट और लोड को सपोर्ट करना ड्यूरिंग टैक्सिंग, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। एंड इसमें बेसिकली थ्री व्हील्स होते हैं, टू मेन व्हील्स होते हैं फ्यूसेलाज के ईच साइड में, एंड वन व्हील होता है स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए, जो या तो फ्रंट नोज सेक्शन में रहता है कुछ इस तरह से, जिसे ट्राईसाइकल गियर कहते हैं, और ये रियर सेक्शन में भी रहता है कुछ इस तरह से, जिसे कन्वेंशनल गियर और टेल ड्रैगर भी कहते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक बेसिक एंड ब्रीफ ओवरव्यू, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।